हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतम चौहान और आप देख रहे हो क्यूजीडी स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले। चले देते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन दिया है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नीचे हमको कुछ इक्वेशन गिवन है जिनको हमको पहले सेपरेट करना है देन सॉल्व करना, ठीक है ना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3L = 42। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम 3 को L से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही कुल होता है 42 के, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमको पे करना है कि हमको यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड करना है। तो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर है उनको हमको हटाना रहता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे जो 3 है वो मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि 3 को हमको L से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमको 3 को हटाना पड़ेगा तो 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो भाई, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको 42 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, अपना लेफ्ट हैंड साइड में इधर तो अपना 3 कट हो जाएगा, बट जो अपना राइट हैंड साइड में इसमें अगर हम 42 को 3 से कट करते हैं तो ये आ जाता अपना 14, यानी कि L की वैल्यू निकल के आ गया 14। यानी कि जब हम L की जब 14 रखेंगे देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होता है 42 के, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो अपना नेक्स्ट इक्वेशन की है B/2 = 6। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम बी को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल होता है 6 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर है उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जो है वो नंबर है तो इसको हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड में है तो हमको मल्टीप्लाई में लगाना पड़ेगा, यानी कि जो 2 है उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, अब हमको क्या करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो 2 है वो 2 से कट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कट कर लेना है, बट जो अपने हम राइट साइड में मल्टीप्लाई 2 ऐड किए हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 12, यानी कि बी की वैल्यू अपना निकल के आ गया 12। यानी कि जब हम बी की जगह 12 रखते हैं देन उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल आएगा 6 के, ठीक है ना। चले अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है P/7 = 4। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम पी को 7 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल होता है 4 के, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे पी को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर उनको हटाना होगा, तभी तो अपना पी का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे जो 7 और डिवाइड में है, यानी कि जब हमको 7 को हटाना पड़े तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का 7 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, इधर जब हम मल्टीप्लाई का 7 ऐड करेंगे तो राइट हैंड मल्टीप्लाई का 7 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड इधर तो 7 कट जाएगा, बट जो अपना राइट हैंड साइड में उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 28। चले अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो नेक्स्ट इक्वेशन की बना 4x = 25। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है 25 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 को हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू निकल के आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड वाला 4 यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे दोनों साइड में 4 डिवाइड में रख लेना है, ठीक है ना। तो देखो भाई, जब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में 4 को 4 से कट कर देंगे तो बच जाएगा अपना एक्स, बट जो अपना राइट हैंड साइड में उसमें जो 25 वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना एसडीज उतर जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू अपना निकल के आया 25/4। अगर हम इसको एक्स यहाँ पे पुट करते हैं देन उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है 25 के। तो चलिए अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो अपना नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 8y = 36। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम 8 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है 36 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को हमको हटाना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो 8 है वो मल्टीप्लाई में है, तो 8 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड वाला 8 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे दोनों साइड में 8 डिवाइड में कर लेना है। तो देखो भाई, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में इधर तो अपना 8 कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा वाई, यानी कि वाई की वैल्यू निकल के आया 36/8। बट जब हम यहाँ पे देखते हैं 36 और 8 ये दोनों 4 से कट होते हैं, ठीक है ना। तो हमको इन दोनों को कर लेना है कट। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा अपना 9/2, यानी कि जो अपना 36 है वो 4 के टेबल में 9 बार में आता है और जो अपना 8 है उसको 2 बार में हमने काट दिया, ठीक है ना, 4 से। तो चलिए अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है Z/3 = 5/4। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम जेड को 3 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल होता है 5/4 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमको जेड की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो 3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो भाई, यहाँ पे जो 3 है वो डिवाइड में है तो हमको एक मल्टीप्लाई वाला 3 लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई का 3 लगा देना है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में उधर 3 कट जाते हैं, ठीक है ना, बट जो अपना राइट हैंड साइड में इसको हमको क्या करना, 5 को करना 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 15 एंड जो 4 है वो एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू निकल के आया 15/4, ओके ना। तो चले अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते। तो नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है A/5 = 7/15। तो यहाँ पे कहा जा रहा है
रहा है, जब हम a को 5 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल होता है 7/15 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में a को छोड़ के जितने भी नंबर है उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 जो नंबर है वो डिवाइड में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का 5 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई का 5 लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई का 5 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, जब हम इधर मल्टीप्लाई का 5 किस लिए लगाए हैं, क्योंकि 5 और 5 कट हो जाए, ठीक है ना। तो इधर हमने 5 को कट कर देना। बट जब हम अपने राइट हैंड साइड में देखते तो यहाँ पे जो 15 है वो 5 से कट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे कट कर देना है। तो देखो भाई, यहाँ पे जब हम 5 को 15 से कट करेंगे तो आएगा अपना 3, यानी कि 7/3 ये आ चुका अपना a की वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन की बने 20t = -10। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम 20 को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है -10 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करना है। तो t की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को हटाना पड़ेगा। तो 20 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 20 है वो मल्टीप्लाई में, तो हमको डिवाइड का 20 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइड का 20 लगा देना। देन यहाँ पे जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जो अपना 20 है वो कट हो जाता है, एंड जो अपना राइट हैंड साइड में इधर हम लोग देखते हैं तो अपना जो 10 है वो 20 को कितने बारी में काटता है, 2 बारी में काटता है, ठीक है ना। तो 10 अपना 10 हो जाएगा, एंड देन 2 हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो ऊपर में अपना माइनस का सिंबल जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा अपना -1/2, यानी कि हम सिंपल वे में अगर इसे कट करना चाहते हैं तो 0 को डायरेक्ट कट कर देंगे तो अपना आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना टी का वैल्यू, यानी कि टी की जब अगर हम -1/2 को रखते हैं देन 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होगा -10 के, ठीक है ना। तो ये पोता अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई होप आपको गुड अच्छा लगा होगा। लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।